किन लोगों से खतरा है, कौन लोग हैं जिनसे खतरा? मैं इसलिए रात को खुलासा नहीं कर रही हूँ, 6:12 एक कॉल आया था मेरे पास कि मतलब इस तरह से कुछ लोग मिलकर आपके साथ ही बनाया जा रहा है। बस्तर में लंबे समय से काम कर रहे हैं तो, और खास के आप वहाँ पे महिलाओं के साथ में भी काम कर रहे हैं और आदिवासी महिलाओं के साथ में, किस प्रकार के दिक्कतें आपको आपके काम में आते हैं या किस प्रकार के काम आप करते हैं, थोड़ा बताएंगे? देखिए, मैं ज़्यादा तो भले आज मैं राजनीति में जुड़ी जरूर हूँ, पर मैं जिन मुद्दों पे काम करती हूँ, जो मेरे को जेल में जो अनुभव मिला है और जेल जाने के बाद जो मुद्दे पे मैं, तो खास करके जो आज नक्सल के नाम से वहाँ जो मूवमेंट चल रहा है सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और नक्सलेट के इस पे लड़ाई को, उस पे ज़्यादा मैं काम करती हूँ, इसलिए कि वो एक अनुभवित हुआ है मेरे को, जेल के जीवन में मिला है तो किस तरह पुलिस एक निर्दोष लोगों रहते हुए भी उनको एक फर्जी मुठभेड़ या नक्सल का नाम दे के मार रही है और महिलाओं के साथ ऐसा बलात्कार जैसा ये सब कर रहे हैं, तो उस पे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है और मैं ज़्यादा उस पे ही काम करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ही एक बगैर किताब की पढ़ाई से मैं अनुभव कर लिया जेल में। आप छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में रहते हैं और विशेषकर बस्तर का पूरा एक जो इलाका है वहाँ पे ये जो नक्सलवाद की जो समस्या है उसका मूल जड़ क्या समझती हैं आप, क्यों है ये समस्या वहाँ पे? कहीं ना कहीं सरकार की जो वहाँ का पॉलिसी है उस हिसाब से तो कोई विकास नहीं हो रहा है। अब जैसे कि नक्सल के नाम का एक समस्या का जो वो तो खत्म हो सकता है, जैसे वहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाए, उनको रोजगार मिल जाए, और जिस तरह के वहाँ इतने लोग बेरोजगार हैं, कई तरह की वहाँ की वो नहीं हो पा रही, शिक्षा ढंग की नहीं हो पाती है, कई चीज़ें हैं जो सरकार के ही इस तरह के जो मतलब उनको ना करने के नाकामयाबी से या फिर ना सरकार वो नहीं करने के कारण ही वहाँ नक्सल समस्या इतना ज़्यादा पनप रहा है। नहीं तो वहाँ की नक्सल समस्या को ज़रूरी नहीं है कि बंदूक की लड़ाई से इस तरह जो ख़त्म करने की जो दावा करे सरकार, वो गलत है, हो सकती है सरकार चाहेगी तो, पर सरकार तो नहीं चाहती, वो जानबूझ की समस्या को बढ़ा के रख रहा है। जो संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ एक लड़ाई हो रही है, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कन्हैया साथी जब जेल से आए, इस बात की भी बहुत खुशी हुई, और हम चाहते हैं कि जो और अंदर है उनका भी इंतजार है कि वो भी बहुत जल्द हमारे करीब हो, हमारे साथ हो, कि जेएनयू जो है कि हमेशा हर मुद्दों पे लड़ा है, हर देश की हर कोने की हर लड़ाई को लड़ा है और लड़ते आ रहे हैं, फिर भी आज इस तरह से जो चल रहा है देश में। मैं जब पढ़ रही थी तब मैंने सुना था कि बच्चे और स्टूडेंट एक देश के भविष्य होते हैं, लेकिन एक देश के भविष्य को आज देश दो ही कहा जा रहा है तो देश कहाँ रहेगा, देश का क्या होगा? तो ये बड़ी दुख की बात है जिस तरह से आप सब साथियां मिल के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और वैसे ही और आप लोग के बीच में मैं आप एक छत्तीसगढ़ में ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं शुरू से इस तरह की कोई लड़ाई या ये नहीं किया है, पर 2011 से जो मुझे मतलब जैसे जेल ले गए और ये सब हुआ है, तो कुछ मैंने एक कोई किताब से ये लड़ाई नहीं लड़ी, शुरुआत नहीं किया, ये एक मेरी जिंदगी के अनुभव से ही मैंने ये लड़ाई चालू किया है। तो मैं उन किताबों की लड़ाई की बात मैं नहीं है, कैसे तो महापुरुषों ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़े, भगत सिंह सभी हमने सभी जानते हैं, फिर भी मैं उससे तो इतना भर को जानकारी है, पर मैं जो लड़ाई लड़ा है 2011 से मेरा स्टेट है, और मैं एक टीचर थी और टीचर में रहते हुए मुझे देशद्रोही कह के नक्सल मामले में जेल में डाल दिया गया, जेल डालने के बाद काफी प्रताड़ना हुई, और जिस तरह मेरे साथ मतलब करण शॉट देना, और जैसे पुलिस ने जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो जितने जुल्म दिए, अत्याचार किए, और इस तरह मेरे शरीर में ऐसे पत्रे डाल के जो जुल्म करके मुझे जेलों में डाला गया, तो वो सब चीजें से मैं जेल 2.5 साल काटा, उसमें भी कई साथियों को इस तरह से प्रताड़ित करके डाला हुआ था, तो सबसे मैंने एक सीख उसी के अनुभव से मैंने लड़ाई
चल रही है। और अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो लड़ाई अब छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की लड़ाई हो रही है। आप देखिए जो मेरा चेहरा है वर्तमान में, ये बस्तर की लड़ाई का एक चेहरा है जो इस तरह मुझे एक इस तरह मेरे हाथ चेहरे को एक अत्याचार करके जो इसे अटैक करके मेरे साथ ये किया, इससे मेरे को ये नहीं लगता कि वो मेरे जो भी हैं इस तरह जो कर रहे हैं वो ये सोचते होंगे मुझ पे अत्याचार करके मेरी मनोबलता को तोड़ देंगे, ये नहीं है। जितना मुझ पे अत्याचार होगा उतना ही मेरे अंदर एक ताकत आते जा रही है और मेरे ताकत में मेरी ताकत बढ़ते जा रही है। और साथियों बस्तर में जो हालात है आज की डेट, जो नक्सल और वहाँ की सरकार के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें हम आदिवासियाँ किस तरह पीछे जा रहे हैं, किस तरह हम आदिवासियों को कैसे मार दिया जा रहा है नक्सल के नाम पे, उनके लिए उनकी जब आवाज हम उठा रहे हैं, हम भी खुद एक आदिवासी हैं। ये लड़ाई मेरी नहीं है, आपकी भी है, हम सब की है, इस देश के हर नागरिक का लड़ाई है। और वहाँ एक बताइए कि इस तरह से जब सही कहते हैं हमको भी आजादी चाहिए वहाँ, क्योंकि हम एक जंगल जाते हैं तो हमको आजादी नहीं है, और जंगल जा रहे हैं तो हमको मार दिया जा रहा है। अगर हम अगर सो जाते हैं रात में अपने घर में तो आजादी नहीं है, घर उठा के ले जाके मार के नक्सल के नाम से नक्सल मूवमेंट में दिखाया जा रहा है नक्सलवादी है, इस तरह से हम है तो हम आजाद कहाँ है। हम आज भी आजादी महसूस नहीं कर रहे, हमको भी आजादी चाहिए। तो इस तरह अभी जो मेरे वर्तमान में जो हुआ, जैसे कई महिलाओं को बीजापुर में बेलम नेंड्रा है, पद्दा गेलूरा है, इस तरह और पद्दा पार, ऐसे कई महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कई ऐसे महिलाओं साथ बलात्कार हुए हैं जो पुलिस प्रशासन ने किया है, उसके पर्दाफाश की, आज तक सरकार उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या सरकार भी एक तरफ से गलत नहीं है? अगर हम सरकार के लिए उसकी गलतियों को दिखाते हैं हम देशद्रोही हो जाते हैं, हमको एक नक्सलवादी कहा जाता है, तो क्या ये अधिकार हमारा नहीं है? अगर हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार को बोलने का हक नहीं है? हम क्या ये नहीं कह सकते? हम भी बोल सकते हैं, हम भी इसी देश के वासी है। तो आप लोग ने भी वो ये आवाज उठाया तो आपको भी देशद्रोही की बातें कह रहे हैं। अब रही सवाल, जैसे कहते हैं हिंसात्मक लड़ाई है, ये बताइए जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, कई इनकाउंटर में नक्सल के नाम से कई भाई कई साथी लोग वहाँ आज मार दिया जा रहा है, जेलों में बंद कर दिए जा रहे हैं, आखिर इस तरह से आखिर सरकार क्यों कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कई बार ना मैं जब जाती हूँ लोगों के बीच में ये सब बातें हम होती है, लोग आज बिल्कुल ही असुरक्षित है, बिल्कुल वो नहीं ये मतलब सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहे हैं जंगलों में नहीं रहे। हमारे आदिवासी जल जंगल जमीन चाहिए, उनकी जमीन को अगर सरकार इस तरह से लेगी, वो नहीं चाहते कि वहाँ की जमीन दे दे, वो नहीं वो करना चाहते, तो बताइए इस तरह से हमारे साथ हैं। आप सबके बीच में मैं ज्यादा वक्त और ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सबके बीच में मैं अपनी बस्तर की बात, अपनी छत्तीसगढ़ सरकार की जो वहाँ की कूटनीति है जो हो रही है वो कह रही हूँ। अभी जो एक है बहुत ही मतलब एक है घटना है जिसमें मेरे साथ मेरे चेहरे के साथ मतलब इस तरह अटैक हुआ, वो एक है कि माडू में एक घटना हुई थी। अब उसमें उसके बच्चों के साथ साथ बच्चे का पिता था इड़मो, वो अपने घर में सोया हुआ था, 3 बजे रात उठा के पुलिस ले जाती है और उसको एक दिन बाद रख के उसको मतलब हत्या कर देती है, और उसको ये बोलती है कि उस जंगल में मुठभेड़ में एक माओवादी मिला है जो 1 लाख का इनाम है। उसकी पर्दाफाश हमने किया, सरकार के पास जवाब नहीं थी कि वो हमको सबूत, हम सरकार से पूछे कि इसके पास पूरी डॉक्यूमेंट्स है, पूरा इनका रिकॉर्ड है कि ये एक नक्सलवादी नहीं है, गाँव का ग्रामीण है, 7 बच्चों का पिता है, आपने इनको ऐसे क्यों मारा? अगर 3 बजे रात को टाइगर उसको जेल डाल सकते थे, लेकिन क्यों आखिर फिर इस तरह बोल के उसको नक्सलवादी कह रहे हो? ये सवाल मैंने उठाया, इसकी मैं सरकार को सबूत दी तो वो बल्कि इस पर कार्रवाई करना चाहो तो मुझे पर भी अटैक कर दिए, अटैक करके मुझे इस तरह से करके मुझे मेरी मनोबलता तोड़े, तो उससे मेरे को कोई वो नहीं, तो लड़ाई तो लड़ी जाएगी और हम लड़ेंगे, हम हारने वाले में से नहीं है। अभी मेरे
अभी जो बोले मुझे अगर लड़ाई को अगर कति नहीं मतलब शांत नहीं बैठे चुप नहीं बैठे वहाँ की आईजी कलूरी के खिलाफ शिकायत करना बंद नहीं किए सरकार के खिलाफ जाना बंद नहीं किए तो हम आपकी बेटी को इससे भी भयानक खाला पोतेंगे और बहुत शर्मनाक घटना करेंगे जिससे आपकी बेटी चल नहीं पाएगी दुनिया में जीने योग्य नहीं रही ये बात कहा गया मुझे तो क्या आप बताइए इतनी मैं तो ये कहती हूँ कि लड़ना है तो हमसे आर पार लड़े बच्चों को बीच में ला के क्यों वो कर रहे हैं तो ये क्या है सरकार की कूटनीति इस तरह से हम एक आदिवासी वहाँ की एक महिला है और वो इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को मामलों को हम बाहर ला रहे हैं अब वहाँ ऐसे महिलाओं के जो बच्चे दूध पीते बच्चों को तन को निचड़ दिया जाता है और उनको तन को निचड़ के उनको ये किया जाता है तो वो बच्चे का क्या होगा ये है वहाँ की लड़ाई इस तरह की वहाँ लड़ाई उसकी आवाज बन के उसके हो रहा है तो हम पर इस तरह अटैक पर अटैक किया जा रहा है इससे कोई नहीं आप सब हमारे साथ हैं हम आपके साथ हैं हम मिल के लड़ेंगे और इस तरह हम नहीं हारेंगे और हम तो तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे बस आप लोग सबसे मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है बस्तर का भी एक लड़ाई का हिस्सा बन के आप लोग हमेशा आवाज देते आए हैं ये हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है और हमेशा रहेगी इसलिए हम कमजोर नहीं पड़ रहे हैं इसलिए हम कमजोर नहीं है आप सबका साथ है बस इतना कह के मैं अपना वो करती हूँ अंतिम में सभी साथी को इनकलाब जिंदाबाद Oh, damn. Yeah.